नमस्कार। जिस समय मराठा सेना मिरज से औरंगाबाद की तरफ कूच करने की तैयारी कर रही थी, उसी समय राघोबा पर वज्रपात हुआ। उनके सबसे प्रिय पुत्र भास्कर राव की एक दुर्घटना में मृत्यु का समाचार आया। दादा एकदम टूट से गए। सांत्वना देने पहुंचे माधवराव से बोले, माधव मेरा भास्कर चला गया, मेरे जीवन में तो अब अंधेरा ही अंधेरा है। रुंधे कंठ से माधवराव उनके कंधे पकड़कर बोले, काका जब तक मैं हूं ऐसी बात तो ना बोलिए, यह समझिए कि भास्कर नहीं माधव चला गया और मैं भास्कर आपके सामने खड़ा हूं। आप आंखों में आंसू न लाइए, आपको मेरी शपथ है, अभियान 2 दिन के लिए रोक देते हैं। आंखें बंद कर राघोबा बोले, शपथ वापस ले ले रे माधव, और अभियान रोकने की भी जरूरत नहीं है, यह समय सूतक मनाने का नहीं है। दादा राघोबा, पेशवा सखाराम बापू, नारो शंकर आदि के नेतृत्व में सेना ने भोंसले के अधिकार क्षेत्र का बराड़ लूट लिया। अपने प्रांत की रक्षा के लिए भोंसले निजाम का साथ छोड़कर उधर आया, तब तक यह सैन्य दल हैदराबाद की तरफ कूच कर गया। मल्लार राव होलकर भी उनके साथ आ मिले। पैठन, नलदुर्ग, उदगीर, मेदक और हैदराबाद एक के बाद एक लूटे जा रहे थे। भोंसले और निजाम दोनों त्रस्त हो गए। छिड़े हुए निजाम ने इनका पीछा छोड़कर पुणे में कहर बरपा दिया, धर्म स्थान नष्ट कर दिए, धनपतियों के भवन जला दिए, सर्वनाश हो गया। इन समाचारों से तमतमाए राघोबा ने तुरंत पुणे की ओर बढ़ने का विचार किया, तो पेशवा ने कहा, यह तो आत्महत्या होगी, निजाम के जाल में फंसना होगा, हमें समय का इंतजार करना चाहिए। पेशवा ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। निजाम ने जानोजी भोंसले की अवहेलना करना शुरू कर दिया और अपनी आंखों के सामने धर्म स्थानों के विध्वंस से क्षुब्ध जानोजी का मराठा खून भी खौल उठा। उन्होंने पेशवा को संदेश भेजा कि निजाम को सबक सिखाओ, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। उनका संदेश मिलते ही औरंगाबाद की तरफ आते निजाम को बाढ़ से उफनती गोदावरी तट पर घेरने की योजना बनी और राक्षस भुवन पर पेशवा सेना ने उसे घेर लिया। इस आक्रमण की भनक भी निजाम को नहीं लगी थी, अतः उसकी आधी सेना तो गोदावरी पार कर गई थी और आधी ही सेना मराठा सेना के मुकाबले को शेष बची थी। लेकिन उसका नेतृत्व कर रहे निजाम के सेनापति विट्ठल सुंदर ने पेशवा सेना के छक्के छुड़ा दिए। वह स्वयं हाथी पर बैठकर जबरदस्त शौर्य का प्रदर्शन कर रहा था। एक बार ही तो लगा कि मराठा सेना हार जाएगी। स्वयं रघुनाथ राव शत्रुदल से घिर गए और हताश मल्हार राव ने उन्हें छोड़कर पीछे हटने की सलाह दी। किंतु जब पेशवा ने कहा कि काका को इस प्रकार घिरा हुआ छोड़कर मैं तो जा नहीं सकता, आपको पीछे हटना है तो हटिए, मैं आगे जाता हूं, तो मल्हार राव को भी जोश आ गया और फिर तो हर हर महादेव का निनाद गुंजाते यह रणबांकुरे दूने जोश से लौट पड़े और पांसा पलट गया। घोड़े पर सवार महाजी सितोले के हाथ से छूटे भाले ने हाथी पर सवार होकर लगातार बाण वर्षा करते निजाम के सेनापति विट्ठल सुंदर की छाती बींध दी। उसके गिरते ही निजाम की सेना में हाहाकार मच गया। सब अनुशासन भूलकर वे अपनी जान बचाने को भागने लगे। एक ओर गर्जना करती गोदावरी की विशाल जलराशि और दूसरी ओर सपासप चलती हुई मराठा तलवारें। क्या हुआ होगा उसकी सहज कल्पना की जा सकती है। इस विजय से पेशवा की छाती भी गर्व से फूल गई और उन्होंने उसी स्थान पर महाजी सितोले को मांजरी गांव और सरदार का पद इनाम में प्रदान कर दिया। गोदावरी पार जा चुके निजाम ने भी वहां से भाग निकलने में ही भलाई समझी, लेकिन पेशवा सेना ने उसे एक बार फिर घेर लिया। औरंगाबाद में विवश निजाम ने घुटने टेक दिए और भविष्य में कभी न लड़ने की कसम खाकर समझौता किया।
राक्षस भुवन की विजय का समाचार पाकर सतारा में भी छत्रपति की आज्ञा से तोपें दगवाई गईं। अपने काका से मुकाबला करने जिस दिल्ली दरवाजे से पेशवा निकले थे, वहीं से निजाम को पराजित कर वे वापस पुणे में दाखिल हुए। शर्मिंदगी के भाव ने राघोबा को साथ नहीं आने दिया, वे सीधे आनंदवल्ली को चले गए। पुणे में पेशवा के स्वागत की अद्भुत तैयारी की गई थी। निजाम द्वारा किए गए विध्वंस का कोई चिन्ह नजर न आए, इसकी सबने चिंता की थी। पेशवा की पत्नी रमाबाई और माँ गोपिका बाई को निजाम के आक्रमण के समय सुरक्षा की दृष्टि से सिंहगढ़ पहुँचा दिया गया था। वे वापस आ चुकी थीं और जब विशालकाय हाथी पर सवार माधवराव शनिवार भवन पहुँचे, तब उन दोनों ने ही उनकी अगवानी की। स्वागत सत्कार तो हुआ, किंतु फिर वह हुआ जिसने पेशवा माधवराव को सदा सदा के लिए महाराष्ट्र में अमर कर दिया। अगले दिन सुबह शनिवार भवन के सामने निजाम के आक्रमण से तबाह हुए लोगों की भीड़ जमा हुई, तो माधवराव अस्वस्थ होते हुए भी बिना किसी तामझाम के उनके सामने पहुंच गए। लोगों की बर्बादी के किस्से सुनते उनकी आंखें छलछला आईं और उन्होंने राज्य के व्यवस्थापक सखाराम बापू को सबके नुकसान की भरपाई के आदेश दिए। बापू बोले, लेकिन श्रीमंत, इसमें तो पूरा खजाना खाली हो जाएगा। माधवराव ने जवाब दिया, प्रजा राजा के बल पर ही निश्चिंत रहती है, हम पुणे को बचा नहीं पाए, यह हमारी कमजोरी थी, अतः इनके नुकसान की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर खजाना खाली हो जाए तो निजाम से वसूली धनराशि खर्च कर दो, फिर भी कमी पड़े तो जवाहर खाने के आभूषणों से भरपाई करो। ऐसी स्थिति में रत्नों की लड़ियां अपने सर पर झुलाने का हमको क्या हक है? जो वहां आए थे उनके नुकसान की ही भरपाई नहीं की गई, बल्कि शेष लोगों का पता लगाने स्वयं पेशवा पुणे नगर के भ्रमण को निकले। राह में अपने ध्वस्त मकान के आगे खड़ी एक वृद्धा ने उनसे घर के अंदर चलने का आग्रह किया। पेशवा को बताया गया कि उनका नाम जीवबाई निम्बालकर है और उनके पति तो पेशवा बाजीराव के दिल्ली अभियान के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए, और इतना ही नहीं तो तीनों बेटे अभी हाल ही में निजाम से युद्ध करते हुए स्वर्ग सुधारे। पेशवा ने वृद्धा का आग्रह स्वीकार किया और उस ध्वस्त भवन में प्रविष्ट हुए। अंदर एकांत में वृद्धा बोली, सबके सामने नहीं कह सकती थी, अतः यहां आपको कष्ट दिया। पेशवा बोले, नहीं मां, कष्ट कैसा? वृद्धा ने कहा, इस भवन को निजाम के सैनिकों ने लूटा यह सच है, लेकिन इसमें धन है, इसकी जानकारी आपके मामा मल्हार राव ने दी। पेशवा की पेशानी पर बल पड़ गए और बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। वृद्धा का भवन पहले से अच्छा बन जाए, इसके निर्देश तो दिए ही, साथ साथ मामा मल्हार राव रास्ते को भी दरबार में तलब कर लिया। पेशवा के क्रोध का अनुमान कर मामा को कपकपी छूट रही थी। माधवराव गर्जे, रास्ते, आपने जो अपराध किया है वह क्षमा योग्य नहीं है। जिस समय निजाम पुणे लूट रहा था, गांव के मंदिर भंग कर रहा था, आप उसकी मदद कर रहे थे। हम निजाम के कृत्य को एक बार भूल सकते हैं, परंतु आपको नहीं भूल पाएंगे। संबंधों का विचार कर हम आपको केवल अर्थ दंड दे रहे हैं। 3 दिन के अंदर 5,000 रुपये कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा आपकी स्थावर जंगम संपत्ति जब्त कर इसकी पूर्ति की जाएगी। सरे दरबार हुई, इस रुसवाई से मामा दुख और क्रोध से भर गए। वे दरबार से सीधे अपनी बहन अर्थात पेशवा की माँ के पास जा पहुँचे। उनकी शिकायत सुनकर गोपिका बाई ने माधवराव को बुलाया और उनसे दंड माफ करने का आग्रह करते हुए कहा कि गोपाल राव पटवर्धन भी तो निजाम से जा मिले थे, उसके बाद भी तुमने उन्हें मिरज फिर से दे दिया,
तो मामा का अपराध क्यों माफ नहीं हो सकता? माधवराव ने दो टूक कहा, पटवर्धन सरदार थे, हमारे रिश्तेदार नहीं। इसके साथ ही वे काका द्वारा किए गए अन्याय के कारण विवशता में निजाम की शरण में गए थे, और वह भी खुलेआम। उन्होंने मामा की तरह पीठ में छुरा नहीं मारा। जिन मामा के भरोसे हम पुणे छोड़ कर गए थे, वे स्वयं निजाम से मिल गए, यह विश्वासघात है। उनकी दगाबाजी कतई क्षमा योग्य नहीं है। माँ ने ब्रह्मास्त्र चलाया और कहा, माधव, यह मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यदि सचमुच ऐसा हो गया तो मैं किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकूंगी। माधवराव का जवाब था, दंड तो माफ नहीं हो सकता माँ, आप आज्ञा करें तो हम अपने व्यक्तिगत खर्च में से यह रकम जमा करवा देते हैं। अब माँ की बारी थी। उन्होंने भी माधवराव के ही तेवर में कहा, आपको इतना उदार बनने की जरूरत नहीं है, मेरे भाई अभी इतने गए गुजरे भी नहीं हैं। बस इतना स्मरण रखना माधव कि इसके बाद मैं इस भवन में पानी भी नहीं पीने वाली। माधवराव कांप उठे। वे माँ गोपिका बाई के दृढ़ निश्चयी स्वभाव को जानते थे। उनकी आंखें भर आईं, बोले, अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। लेकिन माँ, राजकाज में भावना नहीं, कर्तव्य मुख्य होता है। जरा सोचिए, उस माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जिसके पति हमारे आजोबा महान बाजीराव के उत्तर भारत के अभियान में युद्ध भूमि में काम आए और उनके तीन बेटों ने हमारे राज्य की खातिर शरीर त्यागा। मैं उस माँ के अपराधी को कैसे माफ कर सकता हूँ भला। माँ बेटे दोनों हट के पक्के थे। तीसरे दिन जैसे ही मामा मल्हार राव ने दंड राशि जमा कराई, गोपिका बाई भी गंगापुर चली गई। पहले से अस्वस्थ चल रहे माधवराव का स्वास्थ्य और भी गड़बड़ रहने लगा। आगे की कहानी अगले अंक में। नमस्कार।